सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब हो रहे हैं, कहाँ से? डीजी खान से। जी कस्मानी साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरी गाय है जी, तकरीबन सिक्स लैक्टेशन है उसका। अच्छा, दो महीने हो गए उसे बच्चा दिए हुए जी। इस दफा ना उसका जो दूध है ना, पिछली दफा से कम है, उतना नहीं हो रहा। एक तो ये, और दूसरा एक माह से उसका कभी टेम्परेचर अप हो जाता है और कभी लो हो जाता है। और कौन सी ब्रीड है, कौन सी किस्म है? साहिवाल फ्रीजन क्रॉस। अच्छा, साहिवाल फ्रीजन क्रॉस है और सिक्स्थ लैक्टेशन में है, माशाल्लाह। और उसका गोबर जो है ना, इस दफा जब से उसने बच्चा दिया उसका गोबर बहुत पतला होता है। अगर हम उसे कोई घंटा डालें या कोई गंदम या उसका मकई का डाला वगैरह, फिर वो उसका मजीद पतला हो जाता है। मजीद पतला हो जाता है और वो सही उसके अज्जा तो नहीं बाहर गोबर में नजर आते आते हैं? आते हैं, साबत साबत ही नजर आते होंगे। जी जी आते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह करें, लिखें। जी सर। हाजमे का मिक्सचर आपने बनाया हुआ है या नहीं? नहीं। तो हाजमे का मिक्सचर बनाएं। अच्छा, क्या चीज है उसमें? मैं अभी आपको ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ जो आपको अवेलेबल होंगी वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। और उसका एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पता ही है आपको जी। और इसका गर्मी का भी एहसास थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है मेरी जान? ये करना है। और जो बनाना है ना उसका, उसको कहते हैं स्टॉमिक पाउडर, स्टॉमिक पाउडर बनाएं और उसमें आप लिखें ये सौंफ, सौंफ ज्यादा मकदार में बनवा दूं या थोड़ा सा पहले बनाना है? ज्यादा ही बना रहे, काम आ जाएगा, काम आ जाएगा। 1 किलो सौंफ ले लें। 1 किलो सौंफ हो गया। और 1 किलो ही अजवाइन, और 200 ग्राम नमक। 200 ग्राम? हाँ जी, यानी 250 ग्राम नमक ये ले लें। बेहतर तो ये होगा कि 100 ग्राम काला नमक उसमें डाल लें और 100 ग्राम ही सफेद नमक, जो आम खाते हैं और आयोडीन मिला नमक होता है। ठीक, अच्छा हो गया। ठीक है, ये मैं सिंपल सिंपल सा बनवाना चाह रहा हूँ, नहीं तो और भी चीज़ें डलती हैं, लेकिन यह है कि ये इंशाल्लाह ये ज़्यादा कार आमद होगा। और गुड़ तो है ना आपके पास? जी जी, होता है, अवेलेबल है। अवेलेबल है, गुड़ भी ले लें। कोई 1 किलो गुड़ लेके अच्छी तरह कूट के ना, इन सब इन तीनों चीज़ों को उसके साथ, गुड़ के साथ कूट के उसके बना लें छोटी छोटी पिनियाँ। अच्छा, या बॉल्स टाइप ना, बॉल जितना क्रिकेट वाला बॉल है इतनी मकदार में रोजाना उसको दें। जी, एक सर पहले वो इसमें सोई मिला देते, सोई। मेरी जान, मैं अभी गर्मियां है ना, मैं बड़ा एहतियात से चल रहा हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है। और ऐसी चीज दे रहा हूँ कि जिससे उसका हाजमा ठीक हो जाएगा। और उसमें जब डालेंगे ना, और प्या उसको भूख वगैरह ठीक लगती है? जी नहीं, जब उसका टेम्परेचर अप हो जाए लो, फिर उसका खाना वगैरह खत्म हो तो कम हो जाता है। मेरी जान, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो प्यास भी उसकी कम होती है या ज्यादा है? नहीं, प्यास ठीक होती है। प्यास ठीक है, तो इसका भूख को थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम बढ़ा देते हैं। एक तो हाजमा इसका ठीक हो जाएगा इससे, और इसका हजम होना शुरू हो जाएगा। ये आप पिनियाँ देंगे 3-4 दिन, तो मुझे आपने ज़रूर फीडबैक देना है, बताना है ज़रूर है। और इसकी भूख को ज़रा थोड़ा ज़्यादा करने के लिए मोटी इलायची होती है ना, काली इलायची, मोटी इलायची, ये ले लें। हाँ, ये को ले लें
कितनी ज्यादा, एक दिन का मैं बनाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। एक दिन का मैं, तू के आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कहता हूँ 50 ग्राम, यानी, और जो अगर इस प्रोग्राम को देखने वाले अनपढ़ भी हैं दूसरे भी, और इंडिया वाले भी देख रहे होंगे, तो एक एक छटांक इसको मैं कहते हैं 50 ग्राम, ठीक ठीक है। ये बीज वगैरह लेके, बीज वगैरह समेत इसको अच्छी तरह कूट लेना है, और उसमें आधा किलो ये गुड़ डाल लेना है। ठीक हो गया। ये 2 दिन, 2 या 3 दिन आपने देनी है, और ज्यादा बेहतर ये होगा कि इसके अंदर ना, अगर आप ये मीठा सोडा नहीं होता, जी, मीठा सोडा, अब मीठा सोडा ले लें, ये कोई 150 ग्राम, अच्छा 150 ग्राम, 300 ग्राम का एक पैकेट भी मिलता है इसका, वैसे ये खुराक है, अच्छा खुला मिल जाता है, ठीक है। ये एक खुराक बता रहा हूं, 3 दिन देनी है। ये डाल देना है इसमें, वो जो पिन्नी बना के देनी है ना, या पिन्नी, या सॉरी, ये गुड़ के साथ जब बनाएंगे ये, तो उसी में ये मिला के, तो ये देने, टेम्परेचर क्या पर लो जी, इसके क्या मसले हैं? ये आजकल चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, देखा ना, आज 9 जून 2014 है, और जून में तो आप डीजी खान से बोल रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी बहुत है इसको, बल्कि ठंडी चीजें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको को कच्ची लस्सी वगैरह पिलाएं, या आप जौ क्या सत्तू वगैरह पीते हैं, या बच्चों को पिलाते हैं या नहीं, होते हैं इधर बहुत ये मेरी जान आपके बहुत होते हैं, तो आप इस तरह करें ना, शक्कर का शरबत बना के उसमें थोड़े सत्तू डालें, ये जौ के, वो इनको भी पिलाएं, अपने खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं अपने को, इंशाल्लाह ताला अल्लाह रहम करेगा, और ये जब इसका खाना पीना ठीक हो जाएगा, ये टेम्परेचर हल्का नीचे जाएगा, और ये दूध भी ज्यादा बढ़ाएगी इंशाल्लाह, और फिर मैं आपको और भी दूध बढ़ाने के भी कोई टिप्स दूंगा, ठीक है। वो वैसे आप दे ही रहे हैं ना इसको वंडा, वंडे बता ही में, रहे हैं सर। जी अगर डीसीपी पाउडर जो है ना खास तौर पे, वो अगर तो किसी और ने बनाया हुआ है वंडा, नहीं, खुद बनाया हुआ सर। डीसीपी खुद, शाबाश, और उसमें डीसीपी पाउडर यूज किया हुआ है, पाउडर भी और मिनरल भी डाले उसमें। वेरी गुड, और डीसीपी पाउडर का थोड़ा सी मकदार आपको ज्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि दूध फिर ज्यादा देगी इंशाल्लाह। 100 ग्राम रोजाना, सुबह वनडे में और शाम को भी 100 ग्राम, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक किलो का पैकेट आता है ना, सर जी, होता है। नहीं, बिस्मिल्लाह, वो 20 किलो पैकिंग होती है वो ले लेते हैं, हैं जी, वो 20 किलो की पैकिंग होती है वो ले लेते हैं। हाँ 20 किलो वाली तो क्या ही बात है, जबरदस्त, और फिर तो आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, आपका चलेगा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह इसको, और वैसे भी अब सिक्स लैक्टेशन है इसकी, और दूध तो थोड़ा कम होता ही है ना, लेकिन ये जब इसका हाजमा ठीक हो जाएगा, भूख बढ़ा देंगे, और इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी भी इज्जत रखेंगे, और इसका दूध जब ज्यादा बढ़ेगा तो फिर मुझे दुआ जरूर देनी है आपने, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, हम आपको रोजाना दुआ में याद करते हैं सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप लगता है फिर प्रोग्राम देखते रहते हैं मेरे, रोजाना देखते हैं सर, माशाल्लाह, आजकल यूट्यूब पे भी बड़े आ रहे हैं, आ रहे हैं सर, ये भी अपलोड हो जाएगा। अपलोड ये अब भी गया यूट्यूब पे, असल में मैं लगा हुआ हूँ साथ साथ बना के ना मूवी मेकर में, और फिर यूट्यूब पे भी चला जाएगा, डेली मोशन वाले का भी मैं थोड़ा सा हाथ रोका हुआ है, और फेसबुक पे भी चढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। सर ये जो तोरी न्यूज़ इसमें जो वो मिलाते हैं यूरिया, यूरिया, उसका एक क्या प्रोग्राम मेरा आपने देखा नहीं है, यूरिया, देखा, मैं
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम भूसे में भी मिला सकते हैं उसको? भूसा जो होता है वही तो होता है तूड़ी। अच्छा, तूड़ी हम कहते हैं वो पराली जो होती है, जो उसके चावल से नहीं अलग नहीं होती नहीं 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 वो पराली जो होती है वो चावल की होती है, और है। भूसा तूड़ी जो होता भूसे है को कहते वो हैं। स्ट्रॉ होता है, ये व्हीट स्ट्रॉ गंदम का, तो वो मेरी जान गंदम के भूसे पे इसे तो बना। उसका कहें तो अभी एक फ्रेश, मैं वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बना कर अपलोड की हुई हैं, लेकिन कई दोस्तों ने कहा है कि डॉक्टर साहब हमें यूट्यूब हमसे खुल नहीं रहा, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और उन दोस्तों के लिए एक फ्रेश ये बना दूंगा, और जिसमें टेक्निक पूरी बता दूंगा कि किस तरह बनाना है। ठीक है, ठीक है सर। आप दुआओं में याद रखें। प्रोग्राम अच्छे लगते हैं इंशाल्लाह सर। आपको? जी सर, बहुत अच्छे लगते हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह सर आपको बहुत लंबी उम्र दे। भाई अल्लाह दुआएं। अल्लाह अल्लाह, दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाह, आपको सलामत रखे इंशाल्लाह अल्लाह। अल्लाह मेरे जितने भी प्रोग्राम देखने वाले हैं इनको सलामत रखे। ठीक है, इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी के मुनाफिक की निशानियाँ तीन हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब इसको किसी अमानत का अमीन बनाया जाए तो उसमें खयानत करे। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फ़ी मान ला।